भी आप देख रहे हैं टीवीएस सेंटॉर्क 125 सीसी रेस एडिशन। आज मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, ना आप लोगों को किसी ने बताई होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो सब लोगों को पता होनी चाहिए। अभी क्या होता है, जब हम स्कूटर लेने जाते हैं, चाहे वो टीवीएस का हो, होंडा का हो, हीरो का हो, हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं और स्कूटर खरीद लेते हैं। पर हम लोग कभी भी टीवीएस की या फिर हीरो की या होंडा की किसी भी ब्रांड की जब हम गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं देते, बस क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। पर अब हमें मैन्युफैक्चरिंग पता करने के लिए ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। गाड़ियों के पीछे ये एक स्टिकर लगा होता है, इस स्टिकर पर सब कुछ लिखा होता है। ये देखिए, ये गाड़ी का इंजन नंबर आ जाता है, ये गाड़ी का चेसिस नंबर आ जाता है, और ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है कि गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई। अब जैसे इस पे लिखा हुआ है 18 तारीख 2 महीना 2023 में ये गाड़ी बनाई गई है। इस पे ये मॉडल नेम भी लिखा हुआ है, कितने टाइम पे ये गाड़ी बनी है वो भी लिखा हुआ है। तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम लोगों को पता होना चाहिए। अभी क्या होता है कि कई बार होता है, जैसे 2023 चल रहा होता है और हम डीलरशिप से चुपचाप से 2022 का मॉडल ले आते हैं, और जब हम उसे सेल करने जाते हैं तो जब सेल करते हैं तो जिसे हम गाड़ी बेच रहे होते हैं तो वो हमें कहता है कि भैया ये तो 2022 का मॉडल है। हम उसे कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो ये 2023 में लिया है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।